हेलो दोस्तों, एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट के बारे में तरह तरह के भ्रम व्याप्त हैं। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि एक बार घुटने की सर्जरी तो ज़िंदगी में कभी करानी नहीं चाहिए, नहीं तो घुटने की सर्जरी करा दी तो पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। कुछ लोगों के मन में ये डर रहता है गाँव में खासकर कि घुटना एक बार खुल गया तो पता नहीं पहले जैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस वजह से लोग इलाज कराने में देर करते रहते हैं और फिर कभी कभी मेनिस्कस फट जाता है या तो कार्टिलेज फट जाती है। दोस्तों, साइंस अब बहुत डेवलप हो चुकी है, इस प्रकार के ऑपरेशन अवेलेबल हैं जो बिल्कुल आपको घुटने को पहले जैसा ही बना देते हैं। इसलिए आप इस तरह के भ्रामक प्रचार में बिल्कुल मत आइए कि घुटने का इलाज कराना हमेशा ही गलत होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत ये रहती है कि आप सही डॉक्टर का चुनाव करें, सही इंस्ट्रूमेंट्स का चुनाव करें, सही इम्प्लांट का चुनाव करें। हमारा चैनल आप लोगों को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है क्योंकि हम लोग इनके बारे में आपको समय समय पर बताते रहते हैं। जो भी हमारे चैनल के 10-15 वीडियो देख लेता है उसको ACL के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आज भी मेरे साथ एक ऐसे ही फाइटर मौजूद है जिनका ACL का इलाज हमारे यहाँ सफलतापूर्वक किया गया है, तो आइए इनका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आपका नाम क्या है भैया? हरदयाल सिंह। हरदयाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हो और आपको लिगामेंट की चोट कैसे लग गई थी? सर, मैं भरतपुर से रहने वाला हूँ पर अभी यहीं जयपुर में जॉब करता हूँ, तो जयपुर में रह रहा हूँ। आपको चोट लगी कैसे थी लिगामेंट की? मैं ऑफिस से निकलते टाइम वो बाइक स्लिप हो गई थी सर, तो उस टाइम क्या है मैंने केवल एक्सरे कराया था, वो तो उसमें क्या है कोई माइनर फ्रैक्चर हुआ। फिर 1.5 महीने प्लस्तर लगा के रखा था, उसके बाद फिर मेरे को चलने में दिक्कत हुई तो फिर मैंने क्या MRI कराई सर, तो MRI में मेरा ACL कम्प्लीट टूटा हुआ था। उसके बाद अपने पड़ोस में थे उस सामने मुकेश शर्मा जी, उन्होंने फिर आपके बारे में बताया डॉक्टर नवीन शर्मा जी के कि एक बार उनसे मिलो, तो मैं सर आपके पास मिला। तो आपके पास मिलने के बाद मुझे 50% तो उसी टाइम संतुष्ट हो गया कि मतलब मेरे को यहाँ आराम मिल जाएगा। फिर बाकी आपका जो मेहनत थी, आपने जो मेरे को ट्रीटमेंट किया उसमें बहुत अच्छा रिकवर हुआ सर। हरदयाल जी, आप ऑपरेशन के नाम से बहुत डरे हुए थे और आपको लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, तो आपका ऑपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप बताइए, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऑपरेशन के बारे में डर रहता है कि पता नहीं। तो आपकी तो चीखें निकल गई होगी ऑपरेशन के दौरान। नहीं, कुछ नहीं हुआ सर, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में जैसे गया था उसी कंडीशन में आया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उनका OT का जो स्टाफ था उनका भी अच्छा व्यवहार था, सबका, डॉक्टर साहब का भी अच्छा व्यवहार था, मतलब अपने को ऐसा लगा ही नहीं कि वहाँ कोई डरने वाली बात है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में। तो मैं तो यही गाइड करूँगा या यही संदेश दूंगा कि जिस किसी को भी अगर नी से कनेक्ट कोई भी प्रॉब्लम हो घुटने से, तो एक बार डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलें। दोस्तों, हरदयाल जी के आज 17-18 दिन हो गए हैं तो इनकी स्टिचेस निकाल दिए गए। अब मैंने इनका पूरा वजन दे के चलना स्टार्ट कर दिया है। इनके पैर में जो नी ब्रेस है वो हम लोग 6 वीक तक रखेंगे। घुटने की बैंडिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है, धीरे धीरे ये पैर को बैंड कर रहे हैं। हमने इनको टारगेट दिया है कि 45 से लेकर 60 दिन के अंदर अंदर पैर को मोड़ना है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है 10-10, 15-15 दिन गुजर जाते हैं और वो पैर को बैंड ही नहीं करते, जिससे कि उनका पैर बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। इसके उतरे दूसरे तरह के लोग भी मैंने देखे हैं जो 4 दिन में ही पूरा पैर बैंड कर देते हैं। तो हमें बैलेंस अप्रोच को अपनाना है, ना तो बहुत जल्दी पैर मोड़ना है ना बहुत लेट पैर मोड़ना है। हरदयाल जी को बार बार मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो इनका स्नेह है कि आज मुझसे मिलने आ गए, नहीं तो हम लोग तो ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं। आप घर पर स्टिचेस निकलवा सकते हैं और हम एक्सरसाइज भेजते रहते हैं, देख देख के आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को भी लिगामेंट की प्रॉब्लम आई है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर बेस्ट क्वालिटी इलाज होगा, अफोर्डेबल प्राइस में इलाज हो जाएगा, ज़्यादा आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे, आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे कॉन्टैक्ट करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ठीक है हरदयाल जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।